तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी इम्पॉर्टेंस यहीं से वाजे हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है, लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूँ कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं, क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे। ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह, ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती हैं कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने परसेंट हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है, दुनियावी तो हैं ही लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, कि ऐ मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी, यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए, और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें, हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है अच्छी बात है बच्चा आप जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए, नमाजी बनाना सबको, अपना फरमा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना, रब्बना अग़फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना और मोमिनीन को जो आने वाले उनको माफ़ करना, यौमा यकूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन, ये होती है लीडरशिप और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, वो मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, ऐ हमारे रब हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे और हमें हिदायत पे में इंक्रीज कर और हमें रास्ता दिखा और हमें साबित कदम कर दे, इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ द दुआ कि ओ आर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे, असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नजर आएगी जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी हैं, फिरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरखली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शराय सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज क्रिएट कर,
हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे, और ताकि मैं तेरे दीन की बात कर सकूँ, यफ़क़हु क़ौली, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूँ। वजअली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, और मैन पावर मांगी, रिसोर्सेज नहीं मांगे कि पैसे दे दें, फौज दे दें, कहा बस एक बंदा दे दें, एक मुखलिस साथी दे दें जो मेरी नबूवत में शरीक हो, हारून मेरा भाई, स्पेसिफिक होके दुआ की। तो हमने ये देखना है कि हम क्या दुआस कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं, क्योंकि उमर रस्तलानहो ने कहा था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ भी करूंगा कि नहीं करूंगा, असल बात ये है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, हमारे एक दोस्त थे DHA में, अब दुबई में होते हैं, तो माशाल्लाह उनका एक इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे, तो वहाँ पर उनके एक दोस्त आए, बहुत अरसे बाद उन्हें मिले, और उन्हें पता लगा कि इनकी वालदा बीमार हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में हैं काफ़ी अरसे से हैं, तो उन्होंने हालचाल पूछा और उन्होंने फिर वालदा की खैर खैरियत पूछी, माशाल्लाह वालदा ठीक थी। तो फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप नमाज पढ़ते हैं, मतलब दुआ करते हैं वालदा के लिए, नमाज पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ने का नहीं टाइम मिलता, बस उन्होंने एक उज़र पेश किया कि नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि सही बताएं, जुम्मा आपने कब पढ़ा है? तो उनके लाइफस्टाइल से पता लग रहा था कि जुम्मा भी नहीं पढ़ा, काफ़ी अरसा हो गया, तो शर्मिंदा हो गए थोड़े, कहते कि नहीं जुम्मा भी नहीं मैं पढ़ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अल्लाह का शुक्र फिर कैसे अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा हमारे नज़दीक यही ना कि नमाज़ पढ़ के है, ये एक जेस्चर है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते अल्लाह के बारे में? तो ही सेड के मैंने उनसे कोशिश की ये कहलवाने की कि आप चलें अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, वालदा को अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया। तो ही सेड के मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उगला ही नहीं जा रहा था, कहा ही नहीं जा रहा था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान पे नहीं आता। जब तौफीक ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो ये वाकया सुनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी कोई यहाँ पर बैठ के बुराई करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें, उनको भी दीन की तरफ लेकर आए। लेकिन ये बहुत इबरतनाक वाकया है कि ज़ुबान पे भी उसी के आता है जिससे तौफीक है। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरी ज़ुबान पे चीज़ नहीं आ रही, नमाज़ पढ़ने का दिल स्पोज किसी का नहीं करता, तो दुआ करें। लास्ट टाइम हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, यही तो वो दुआ है कि अल्लाह मुझे इबादत में हुसन अता फरमा। तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है, सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे।